सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि गर्मियों का मौसम आ गया है, हम काफ़ी कच्चा और पक्का आम, पके हुए आम को इस्तेमाल करते हैं। तो आम तासीर में काफ़ी गर्म होता है क्योंकि ये पेड़ में धूप में लगा रहता है, मतलब धूप पड़ती रहती है, इससे भी ये गर्म रहता है। तो जब भी पका और कच्चा आम खाएं तो आप कुछ सावधानियां रखें, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये पका आम है, ये पक चुका है और अभी ये मतलब ज़्यादा मीठा नहीं है, फिर भी बाजार में आ गया है। एक बार पानी गिरने पर ही आम काफ़ी मीठा हो जाता है। ये बड़ा आम है, जो छोटे आम आते हैं चूसने वाले वो भी। तो आम जब भी आप बाजार से लाएं तो उसको सीधे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, या फ्रिज में आप रखते भी हैं तो खाने से पहले उसको कम से कम 3 से 4 घंटा पानी में भिगो के रखना चाहिए। आप जब भी आम को इस्तेमाल करें या इसका जब भी पन्ना बनाएं या जूस बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। जैसे आप इसको काट के देते हैं तो ये आम यहाँ से काट लें, और नहीं तो ये नियम है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आम को ऐसे कर लें जब भी पन्ना वगैरह बनाएं, नहीं तो ये काफ़ी नुकसानदेह चीज़ होता है। जैसे कि काफ़ी नरम हो गया है, फिर आप इसको निकाल दें तो इसमें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक तरल पदार्थ है, ये काफ़ी चिपचिपा रहता है, ये देखिए, ये तो ये काफ़ी चिपचिपा है, सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, इसको हम लोग अपने भाषा में चोपी बोलते हैं। तो ये काफ़ी गर्म रहता है, अगर आप इसको अपने चमड़ी में कहीं भी लगा लें, कुछ देर छोड़ दें तो चमड़ी में फफोला पड़ जाता है। तो मैं आपको सावधानी बता रही हूँ कि आप इसको निकाल कर ही खाएं या इस्तेमाल करें। काहे कि अगर लगातार अगर आप ऐसे खाते रहें तो पेट में अल्सर या छाला भी हो सकता है। तो काफ़ी गर्म है, इसको भिगो के खाएं और इसका ये चोपी निकाल के खाएं। और जो छोटे आम होते हैं उसमें भी काफ़ी चोपी रहता है, किसी किसी में तो बहुत रहता है। तो आप जब भी बच्चों को दें या खुद खाएं या पन्ना बनाएं, या जो आम रस, या हम अपने भाषा में अमावट बोलते हैं देहाती भाषा में, तो आप अमावट भी बनाएं, तो इस चोपी को पहले आपको मैं फिर से एक बार दिखाना चाहती हूँ। इस चोपी को आप निकाल कर ही इसका कोई भी व्यंजन, ये देखिए, ये निकल रहा है, ये मैं आपको दिखाना, ये देखिए, ये काफ़ी मात्रा में, देखिए आम से, मैं आम को काटी नहीं हूँ, ये देखिए, ये बहुत मात्रा में, ये देखिए निकल रहा है, ये बहुत नुकसानदेह होता है। आप इसको खोलिए और खोल के इसका थोड़ा बहुत भाग को आप निकाल दीजिए, फिर इसको आप इस्तेमाल करिए। इसी प्रकार से मैं आपको कच्चे आम का भी निकाल के दिखा रही हूँ। ये कच्चा आम है। पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप कच्चा आम जब भी इस्तेमाल करें किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हम जीरा जल बनाते हैं, या आम का एक कच्चे आम को हम उबाल के इसका मीठा पन्ना भी बना के रोटी से खाते हैं, या हम इसका अचार बनाते हैं, या कोई भी व्यंजन बनाते हैं, इसको आप पहले 4 से 5 घंटा तक भिगो दीजिए, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल करिए। और इसका मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना नुकसानदेह होता है। ये देखिए, ये कट गया। अब मैं आपको एक कागज़ पर दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये काफ़ी इसमें निकलता है, ये चोपी बोलते हैं इसको, ये देखिए, ये अपने आप ही चूने लगता है, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम सफ़ेद है। तो आप इसको निकाल के ही खाएं। आम तासीर में काफ़ी गर्म उसे भी माना जाता है। तो आप जब भी अचार बनाएं, तब भी मैं अचार बनाने की विधि में भी आपको यही बताऊंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप बनाएं, जैसे कि आजकल जीरा जल बनाते हैं लू से बचने के लिए, तो आप सीधे इसको उबाल लेते हैं, आप कभी भी इसको सीधे न उबालें, इसको काट के सब आमों में निकलता है। आप ऐसे हल्का सा काटिए, ये देखिए, ये अपने आप चूने लगता है, ये देखिए, ये देखिए, बहुत मात्रा में रहता है। ये पूरा कागज़ भीग गया। ये सफ़ेद कलर का होता है और ये काफ़ी नुकसानदेह होता है। लगातार इसको खाने से पेट में छाले पड़ जाते हैं। आप कभी भी अपने चमड़ी में इसको लगा के देखना, ऐसे करके, मैं तुरंत निकाल दूंगी,
चमड़ी में ऐसे और छोड़ देना। तो यहाँ चमड़ी में आपको जलन और फफोला जैसे पड़ने लगेगा, तो ये काफ़ी तेज होता है। तो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि आप भी जब भी आम इस्तेमाल में लाएं, कच्चा हो या पका, तो इसी विधि से लाएं। इसकी चोपी को, ये तरल पदार्थ को काफ़ी नुकसानदेह होता है, इसको निकाल के तभी आप खाएं। और आम को भिगो कर, कच्चा हो या पक्का, तभी उसको उपयोग में लाएं। आगे मैं आपको आम का अचार बनाना देसी तरीके से बताऊंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, इसलिए मैं आपको गर्मियों में इन सब टिप्स को बता रही हूँ। तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।